अपना संपूर्ण जितना वो दे सकते हैं तन मन और धन से सेवा कर रहे हैं, वो ऑलरेडी दुबई पहुंच भी चुके हैं इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और हमारी अकेडमी का तो मेन उद्देश्य ही है, हम लोग जामानी साहित्य अकेडमी, अखिल भारतीय विष्णु महासभा और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग 4 और 5 फरवरी 2023 को दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका मेन जो हमने जो सब्जेक्ट रखा है वो वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियां और उसमें उसका विष्णुई समाज के सिद्धांतों में क्या समाधान है, उस पर आधारित हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें विश्व के अलग अलग पर्यावरणविद, साहित्यकार, वैज्ञानिक भाग लेंगे। और इसमें हम लोगों ने 6 टेक्निकल सेशंस रखे हैं, जिसमें हर सेशन में 5-5 पर्यावरणविद या साहित्यकार या वैज्ञानिक जो है वो अपने पेपर प्रेजेंट्स करेंगे। टोटल 6 तकनीकी सेशंस में हमारे 30 प्रतिभागी वहाँ पेपर प्रेजेंट्स करेंगे। और इसके अलावा हमने शारजा यूनिवर्सिटी के स्काईलाइन जो कॉलेज है उसके विक्टोरिया ग्राउंड में हमने 363 जो हमारे खेजड़ली के जो शहीद हुए हैं उनकी याद में वहाँ 363 हम वृक्षारोपण भी करेंगे, 363 खेजड़ी के वृक्षों का। इंडिया से कितने लोग भाग लेंगे दिल्ली? इसमें हमारा टोटल जो है वो 509 जो है हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें इंडिया से 480 पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं, यूएई से हमारे 27 है, वेस्ट इंडीज से 1 है और 1 हमारा बहरीन से प्रतिभागी आ रहे हैं। इस प्रकार से टोटल हमारे 509 प्रतिभागी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। वीआईपी मंत्री इसमें एक आदरणीय श्री पीपी चौधरी जी वो पधार रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आदरणीय फारूक अब्दुल्ला जी, पंजाब से हमारे पूर्व मंत्री रहे राणा सोडी जी, और हमारे अखिल भारतीय विष्णोई महासभा के संरक्षक चौधरी कुलदीप जी विष्णोई शिरकत करेंगे। और चूंकि अभी लोकसभा और विधानसभा के सत्र चालू हो रहे हैं, इसलिए बाकी हमने और भी मंत्रियों को हमने आमंत्रित किया था, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन वो अपनी किसी इन सत्रों की वजह से आने में उन्होंने असमर्थता जाहिर की।